उग्र छात्रों के हंगामे से स्टेशन पर भगदड़ मच गई। हालांकि स्टेशन पर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौजूद हैं। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। छात्रों का हंगामा आज भी जारी है। बेतिया में भी भगदड़ देखने को मिली है। स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़ की गई है। जो वहां पर आम लोग मौजूद थे, जो वहां पर यात्री मौजूद थे, उनमें भगदड़ मच गई। छात्रों को देखकर ही छात्रों के हंगामे से अफरा तफरी वहां पर मच गई है। यात्रियों को परेशानी हो रही है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तमाम जगहों से। जो तस्वीर आ रही है बेतिया की, ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर हाथों में लाठी लेकर, हाथों में डंडे लेकर यहाँ बीच सड़क पर ही टायर को, कागजों को, तमाम चीजों को जलाकर, देखिए किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं फिलहाल स्थिति क्या बनी होगी। यहाँ पर सुरक्षाकर्मी है, पुलिस बल है, लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा। तो कसरत करके भी यहाँ पर अपना रोष जाहिर कर रहे हैं। सेना भर्ती का नया नियम क्या है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि इसको समझना जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की गई है, लेकिन 4 साल जो सबसे बड़ा यहाँ पर जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, 2 साल कोरोना की वजह से भर्ती ना हो पाने की वजह से उम्र सीमा को बढ़ाया गया है। 2022 में होने वाली भर्तियों के लिए उम्र सीमा बढ़ी है। अग्निपथ योजना में उम्र सीमा 17.5 से 21 साल निर्धारित, यानी कि सिर्फ 2022 में ही जो है 23 साल के अगर आप हो जाते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद मुश्किलें खड़ी होगी। तो आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए ऊपरी आयु सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल की गई है। वहीं समस्तीपुर में भी जम्मू तवी गुवाहाटी एक्स